कोतवाली देहात के पुलिसकर्मी ने किया खाकी को बदनाम, रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ वायरल, पैसे दीजिए घर जमीन कब्जा करवाइए, निर्देशों को NDPS में भिजवाइए, साहब का खुला है रेट, यह हम नहीं कहते हैं। सुनिए इन पीड़ितों का जिनको झोलना पड़ा है कोतवाली देहात के पुलिस का दंश। बहराइच के जनपद के ईमानदार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपन कुमार मिश्रा के साग पर बट्टे लगाने में जुटे हैं कोतवाली देहात के पुलिस। बहराइच जनपद के बहराइच कोतवाली पुलिस ने बनी अपराधियों की दोस्त, बेगुनाहों को फंसाने के लिए खुद खरीदारी करती है गांजा भांग, चाहे किसी की जमीन कब्जा कराना या कच्ची शराब की बिक्री कराना, चाहे निर्देशों को NDPS में भेजना हो, बस साहब का सेवा कर दो हो जाएगा सारा काम। ताजा मामला जमीन कब्जा करवाने के चिलवरिया से तो शराब बेचवाने का, हरिया सभी से तो वही, दूसरी तरफ निर्देशों को NDPS में फंसाने का मामला चौखड़िया गांव का है। एक निर्देशों को कुछ पैसे के लिए एक निर्देशों की बिक्री जेल की हवा खा रहा है। वीडियो यूं आईडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कोतवाली देहात पुलिस का गुड वार। राजुद्दीन खान के साथ कैमरा मैन लड्डन खान की रिपोर्ट। लेकिन भलावा छूटेगा नहीं, छूटेगा जेल गया कैसे छूटेगा। हाँ बस वही कहा, और तू शोर मत करिए कहू के ही कुल हाँ, और हम ही नहीं सर नहीं तू गाड़ी लेके सीधे आज से निकल जाओ। देव उतना देव जल्दी देव यार, 8,004,005 आठ या पाँच होगा। अब 22 तारीख का हमारा बैंक खुली तो इसे हम लाइक दे देंगे 6,000 कुल हुआ 6,000 हाँ 6,000। अब बैंक जैसे हमारा खुली जैसे लाइक दे देंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 हुआ 5 हुआ 1,000 हुआ। अब जैसे हमारा बैंक खुली लेकिन भलावा छूटेंगे नहीं, छूटेगा जेल गया कैसे छूटेगा। जनपद के कोतवाली देहात के अंतर्गत आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आरक्षी जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है उसको किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये लेते हुए दिखाया गया है। इस संबंध में थाने पर संबंधित आरक्षी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा संपादित की जाएगी। संबंधित आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में एक आरोप यह भी लगाया गया है कि उक्त आरक्षी ने किसी व्यक्ति को फंसाने के उद्देश्य से ये पैसे लिए थे और उस व्यक्ति के विरुद्ध NDPS के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। संबंधित NDPS की विवेचना क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित की गई है तथा इस संबंध में उक्त अपराधी के परिजनों की तहरीर को भी उस विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही इस संपूर्ण प्रकरण की जाँच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को दी गई है। इस जांच के दौरान जो भी दोषी व्यक्ति आएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थाना प्रभारी कोतवाली देहात को भी शिथिल पर्यवेक्षण के कारण लाइन में स्थानांतरित कर